और अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां लगातार ठंड का कहर जारी है। इस बीच कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। भीषण ठंड के बीच हार्ट के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लोगों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से 8 जनवरी तक एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 51 हार्ट रोगियों की मौत हो चुकी है, जबकि 57 लोगों की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो चुकी थी। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं, हार्ट की या ब्लड प्रेशर की। उन लोगों को अपने डॉक्टरों को दोबारा दिखा के अपनी दवा का को रेगुलेट कराना चाहिए। हो सकता है कि दवा की मात्रा टेम्परेली बढ़ानी पड़ जाए। इस तरीके से पूरे सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हम लोग इस ठंड की लहर को आसानी से फिर पार कर सकेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कानपुर के अंदर नए साल में पड़ रही भीषण सर्दी के बीच किन किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और आंकड़े क्या कहते हैं कि किस उम्र के कितने लोगों की मौत अभी तक हुई है, वो आंकड़ा इस वक्त हम बताएंगे आपको। जी हाँ, डॉक्टरों की माने तो 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए सर्दी में हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक हफ्ते में 60 साल से अधिक उम्र वाले 25 लोगों की मौत हो गई है और वही 51 से 60 साल की उम्र वाले 12 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, वो भी हार्ट अटैक के चलते। इसके अलावा 41 से 50 साल की उम्र वाले 9 लोगों की भी जान गई है और उनकी जान गई है हार्ट अटैक के चलते। वही 31 से 40 साल की उम्र वाले 5 लोगों की मौत भी हार्ट अटैक से हुई है। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि नए साल में 8 जनवरी की तरह हर दिन मौत का आंकड़ा कैसे एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको 1 जनवरी का आंकड़ा दिखाते हैं कि 1 जनवरी को कितने लोगों की मौत हुई। 1 जनवरी को 4 लोगों की मौत दर्ज की गई इस ठंड में, जिन्हें हार्ट की बीमारी थी उनमें से 4 लोगों की मौत 1 जनवरी को हुई। तो कोल्ड अटैक सीधे आपके दिल पर भी अटैक कर रहा है। हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जनवरी को 4 मौत हुई, 2 जनवरी को 6 मौत और 3 जनवरी को 7 मौतें हुई है हार्ट अटैक से। तो 1 से लेकर 8 तक का आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और 4 जनवरी होते होते मौत का आंकड़ा कैसे बढ़ता है। पहले 4, 6, 7 और 8, 5 जनवरी को ये आंकड़ा 7 तक पहुंचा। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 जनवरी को भी 8 लोगों की मौत दर्ज की गई, यानी जो भी लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित है उनके लिए ये ठंड बेहद ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं आंकड़ों में 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी और इधर 7 जनवरी और 8 जनवरी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 लोगों की मौत और 5 लोगों की मौत जो है वो दर्ज की गई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद से आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। पहाड़ तरक रहे हैं, सड़कों और घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। ये जमीन खिसक रही है, पहले ऐसी दरारें पड़ती हैं, जैसे आपको ये दरारें नजर आ रही हैं, ये दरारें दिख रही हैं और ये गैप जो है वो फिर बढ़ता जाता है।